तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अलग से बताने का कुछ नहीं है, आप लोग समझदार हो, थंबनेल में तो आप देख लिए होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्यों? तो देखो, मैं जो मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ वो मैंने 170 रुपीज़ का लोकल मार्केट से ख़रीदा है। और मैंने ऐसा देखा है, मेरे चैनल में ऐसा बहुत लोग है जिसके पास मल्टीमीटर नहीं है, और मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत से टाइम पर मल्टीमीटर का ज़रूरत होता है। तो तब वो लोग तो मल्टीमीटर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर खरीद कर क्या होगा, उसका तो बाद में कोई ज़रूरत नहीं आने वाला है। सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मल्टीमीटर का ज़रूरत होता है। तो ऐसा जब होता है तब वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मल्टीमीटर ही बना दूँ बहुत ही कम प्राइस में, ताकि आपको एकदम बेसिक मल्टीमीटर मिल जाए जिसे आप बहुत सारा प्रोजेक्ट में उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली ये ऑब्जर्व किया है, मैंने मैक्सिमम टाइम मल्टीमीटर को ऑन किया है वोल्टेज देखने के लिए। मैक्सिमम टाइम मैंने डायरेक्ट उस नॉब को घुराकर डीसी 20 वोल्ट पर सेट कर देता हूँ, ताकि मैं वोल्टेज चेक कर सकूं। मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, चार्ज करने के बाद देखता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है और नॉर्मली एक बैटरी में कितना वोल्टेज है, ये देखने के लिए ही मैं मैक्सिमम टाइम मल्टीमीटर को यूज करता हूँ। एक और दूसरा फीचर है जो यूज करता हूँ मैं, कंटिन्यूटी मोड, जिसमें मैं देखता हूँ कोई चीज शॉर्ट है या नहीं, और कोई कनेक्शन पता करने के लिए कि इस कनेक्शन यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये कनेक्शन देखने के लिए मैं कंटिन्यूटी मोड का इस्तेमाल करता हूँ। स्पेशली ये दो फीचर्स मल्टीमीटर में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये दो फीचर्स लेकर ही एक मल्टीमीटर बना देते हैं, जिससे कि मैं भी इसे यूज़ कर पाऊंगा ज़्यादातर टाइम। अब जब मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करूंगा या वोल्टेज टेस्ट करूंगा तो इस मल्टीमीटर से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। और सेकेंडली, इसे बनाने के लिए जो कॉम्पोनेंट चाहिए वो आपको ईजिली ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, और ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप जाकर बोलेंगे वो आपको दे देगा। सभी कॉम्पोनेंट का जो बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन से वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है PVC पाइप, जो कि हम बहुत सालों से यूज करते आए हुए हैं, और उसका बना लेना है शीट। तो ऐसा हमें दो पीस कट कर लेना है, इसका डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है अप्रॉक्स 5.2 × 9.2। ऐसा आपको दो पीस कट कर लेना है, और चारों जो कॉर्नर है उसे मैंने थोड़ा सा घिस दिया है, ताकि ये देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। सैंड पेपर से मैंने यहाँ पर घिस दिया है। तो ये बहुत ही एक माइनर काम था जो कि मैंने कर लिया है। तो अब थोड़ा कंपोनेंट पर आते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमें जो चाहिए वो है डिजिटल वोल्टमीटर, ये छोटा वाला। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वोल्टमीटर है ये दो टाइप का आता है, एक और भी है। आप अगर इसे पलटेंगे, इसके पीछे आप देख सकते हैं ये वाला जो है, इस पर जो कंपोनेंट है ये दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो हम इसे यूज करेंगे, ये थोड़ा अच्छा है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो और दो कंपोनेंट है, दो स्विच है, बैंड स्विच, ये 6 पिन वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, और ये छोटा वाला है एकदम मिनी, ये 3 पिन वाला है। इसे हम ऑन ऑफ के लिए यूज करेंगे, और इसे हम मोड चेंज के लिए यूज करेंगे। तो ये जो 3 है, इसके लिए हमें यहाँ पर ये कट लगाना होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ पर आएगा, और जो दो बैंड स्विच है वो एक यहाँ पर इस तरह से, और एक यहाँ पर इस तरह से, ये वाला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा कट हो चुका है, और यहाँ पर डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले आ गया है इसमें। तो ये पहले आपको कर लेना है। करने के बाद हमें ये जो इसका बॉर्डर है इस पर थोड़ा सा कवर चढ़ाना है। अब पहले तो हमें ये जो टेप है यहाँ पर लगाना होगा। ये लगाने के बाद हमें ऐसे इसको लगा देना है, थोड़ा सा गैप दे देना है, और उसके बाद हमें इसे खींच के इसके ऊपर लाना है। तो ये ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा सुपर ग्लू, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके सुपर ग्लू यहाँ पर डाल देना है, ताकि ये फिलहाल के लिए थोड़ा सा चिपक जाए। और उसके बाद हमें टेप को जो हटा देना है, और अब हमें इसमें अच्छे से सुपर ग्लू डाल देना है।
और इसके बाद हमें करना है ये हमें यहाँ पर बेंड करना होगा। तो इसके लिए हमें इसे हीट करना होगा। तो यहाँ पर हीट करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप एक गैस टॉर्च ले ले और उसके बाद दूर से यहाँ पर हीट दे, बहुत ही अच्छे से ये हीट हो जाएगा और ये बेंड भी आप कर सकते हैं। तो देखो मैं एक आइडिया देता हूँ, आपको लेना है सोल्डरिंग आयरन और उसे गर्म करना है। गर्म जब हो जाएगा आपको यहाँ पर टच नहीं करना है, बहुत पास में ये रख देना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये उतना जल्दी ये काम नहीं होगा बट ये काम जरूर करेगा। अब देख सकते हैं ये मुड़ चुका है। अब हमें बहुत ही जल्दी हमें ये काम करना होगा। अब हमें यहाँ पर सुपर ग्लू डाल देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से अब इसमें लग चुका है और बहुत ही अच्छा अब दिख भी रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज करना है, इसे फोल्ड कर देना है, यहाँ पर लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा मैंने ये कवर कर दिया है ये, और इसे लगाने के बाद मैंने सैंड पेपर में घिस दिया है ताकि इसका जो लेंथ है वो पूरा सेम हो जाए। तो ये हमारा फुल बॉडी रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स इसे यहाँ पर लगाने के लिए हम एक सिस्टम का ही यूज करेंगे जो कि मैं करता आ रहा हूँ। यहाँ पर दो छोटा छोटा पीवीसी का पीस हम लगा देंगे और उसके ऊपर हम स्क्रू की मदद से यहाँ पर इसे टाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये दो जगह पर स्क्रू लगाना होगा। तो ये हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो अब हम लेंगे इसका ढक्कन और यहाँ पर मैंने मार्किंग भी ले लिया है। यहाँ पर हमें छोटा छोटा दो होल करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये होल हो चुका है। तो अब हमें इसमें सारे जो कंपोनेंट है वो हमें फिट करना होगा और मल्टीमीटर में प्रॉब्स होता है, दो प्रॉब्स लगेगा। उसके लिए हम ये जो डीसी जैक होता है इसे साइड से लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कट करना होगा, वो हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक मोबाइल का बैटरी। आप देख सकते हैं ये 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी है। तो इसे चार्ज करने के लिए हम यूज करेंगे TP4056 बैटरी चार्जर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कट करना होगा और ये कट करना बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसलिए हम एक टाइप सी का पोर्ट ले लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी तार लगा हुआ है, ये मैंने खुद बनाया है। अगर आपको भी जानना है कि कैसे इसे बनाते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पूरा समझा दिया है। हम बस इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हम यहाँ पर लगा देंगे तो इसके थ्रू इसमें पावर आ जाएगा। और इस साइज का कट करना बहुत ईजी होता है, आप डायरेक्ट ड्रिल मशीन से इसे कट कर सकते हैं। तो चलो ये हम कट कर लेते हैं, कट करने के बाद हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके लिए कट कर दिया है यहाँ पर, और ये है टाइप सी पोर्ट के लिए। और आप देख सकते हैं अंदर में थोड़ा सा ब्लैक कलर का निशान आ गया है, तो ये मैंने कलर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ये जॉइंट है आप देख सकते हैं। तो इस जॉइंट से थोड़ा सा रोशनी बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर हम चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे, उसमें LED है। तो मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड ये जो जगह है इसमें से लाइट निकले, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पूरा जो जॉइंट है वो अंदर से ब्लैक कलर कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैंने होल कर दिया है ये साउंड को बाहर निकलने के लिए, जो कि हम बजर लगाएंगे। बट पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसे तो कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ पर ही रहेगा। तो हमारा दो स्विच ही लग चुका है। अब आता है टाइप सी पोर्ट का। तो ये जो टाइप सी पोर्ट है ये थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, इसके अंदर ग्लू नहीं जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर इसे प्लेस कर दिया है। अब थोड़ा सा ग्लू स्क्रूड्राइवर पर लेके बस हो गया है। जब ये सूख जाएगा तब हम थोड़ा सा हॉट ग्लू डाल देंगे। तो अब बारी है ये फीमेल जैक का, और बाद में आप चाहे तो थोड़ा और ग्लू डाल सकते हैं ताकि और मजबूत हो जाए। अब लास्ट हमारा जो डिस्प्ले है वो लगा देते हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज नहीं करूंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी है उसे पहले हम थोड़ा सा टेप की मदद से सिक्योर कर देंगे क्योंकि ये पूरा ओपन है। तो ये हमारा जो बैटरी है ये भी लग चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम सभी कनेक्शन शुरू करेंगे। आप ये वाला जो डायग्राम है ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल में कनेक्शन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइप सी पोर्ट जो हमने लगाया है उसका जो पॉजिटिव है वो जाकर यहाँ पर लग जाएगा TP4056 का जो इन है इनपुट।
और टाइप सी का जो ये नेगेटिव वाला वायर है ये हमें चार्जिंग मॉड्यूल का नेगेटिव इनपुट में लगा देना है, और हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है वो डायरेक्ट बी प्लस और बी माइनस में लगा देना है TP4056 का जो मॉड्यूल है उसमें। तो पहले हमें आउटपुट का जो प्लस है उसमें एक वायर जोड़ लेना है, और ये जाकर हमारा जो स्विच है छोटा 3 पिन वाला उसका मिडिल में लग जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टमीटर से 3 वायर आ चुका है, एक रेड, एक ब्लैक और एक येलो। तो रेड जो है वो हमें ये जो मिनी स्विच है उसका ऊपर वाला लेग में लगा देना है, और ब्लैक वाला जो है ब्लैक वाला आउट माइनस पे लगा देना है TP4056 के। ये पॉजिटिव वाला हमने ये स्विच पर लगा दिया है, और इसका जो नेगेटिव है ये जाकर आउट में लग गया है। और फिलहाल आप अगर इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो इतना कनेक्शन करने के बाद हमारा जो ये जैक है ना, फीमेल जैक लगाया है, इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है और नेगेटिव वाला सिरा है ये हमें ये जो बड़ा वाला स्विच है इसके मिडिल पॉइंट में जो 2 वायर है उन दोनों में लगा देना है। और वोल्टमीटर से जो येलो वाला वायर आया है ना, ये हमें ये जो पॉजिटिव वाला सिरा है जो जैक से आया है उसके ठीक ऊपर वाला जो लेग है उस पर कनेक्ट कर देना है। और फ्रेंड्स अब हमें एक ब्लैक वायर लेना है, और जहाँ पर वोल्टमीटर का ब्लैक लगा हुआ है ना वहाँ पर लगा देना है। तो ये लग चुका है, अब हमें ये जो येलो वाला कनेक्ट किया है उसके इस साइड में जो पिन है इसमें लगा देना है। और अब हमें बजर का कनेक्शन करना होगा, तो बजर जो है वो हम फिलहाल तो यहाँ पर रख देते हैं। बजर का जो छोटा वाला लेग है नेगेटिव वाला वो हमें नेगेटिव आउटपुट में लगा देना है, एक ब्लैक वायर लेके हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा जो बजर है उसका जो पॉजिटिव लेग है उस पर एक वायर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमने 6 पिन वाला स्विच लगाया था तो इस पर यहाँ पर लगा देना है। अब बस हमारा जो मिनी स्विच है वहाँ से जो पॉजिटिव निकला था वहाँ पर एक वायर कनेक्ट करना है, और उसे लगा देना है स्विच के इस साइड का जो लेग है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा जो कनेक्शन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो देखने में बहुत ही ये चाउमीन जैसा लग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो ऐसा नहीं है। मैंने सर्किट डायग्राम दे दिया है, आप जाकर वहां से देखकर भी कनेक्शन कर सकते हैं, तो वो देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो कॉमेंट जरूर करना। तो चलो जल्दी से इसे पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा जो डिवाइस है ये रेडी हो चुका है, एकदम यूज करने के लिए अब रेडी है। आप यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं, और ये जो जैक है ये हमारा प्रॉप्स लगने के लिए है, हमें प्रॉप्स भी अब बनाना होगा। तो चलो जल्दी से प्रॉप्स बनाना देख लेते हैं। तो अभी हमें लेना है ऐसा एक आइसक्रीम स्टिक, उसे लेने के बाद हमें कट करना है इसे 5.5 सेंटीमीटर में। आप देख सकते हैं ये मैंने कट कर लिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर होल करना होगा। तो 5.5 सेंटीमीटर इसलिए लिया है ताकि ये दोनों तरफ से होल हो जाए। तो ये होल हो चुका है आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है कॉपर वायर, बहुत ही मोटा टाइप का ये है, ये लगभग 1 से 1.5 mm का है, और इसको हमें 5.5 सेंटीमीटर में कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमें सैंड पेपर में घिसना है ताकि इसका जो सामने का हिस्सा है वो थोड़ा नुकीला हो जाए और इसका जो इंसुलेशन है वो हट जाए। तो ये होने के बाद हमें इसको यहाँ पर लगाना होगा। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा छोटा होल करना था, और मैंने ड्रिल बिट जो है वो मैंने बड़ा ले लिया है। तो ये हम हॉट ग्लू की मदद से ये रिपेयर कर देंगे, उसका कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा इंसुलेशन हटाना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें वायर लगाना है। तो ये हट चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है, ये एकदम प्रॉप्स रेडी हो चुका है। बट ये नेगेटिव प्रॉप्स है तो हमें इसे ब्लैक कलर करना होगा। ये हमारा पूरा ब्लैक कलर हो चुका है, अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड्स हमें ये और एक बनाना है, बस वो रेड कलर का होगा, सेम टू सेम होगा बट वो रेड कलर का होगा। बस हमारा 2 प्रॉप्स रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा दो प्रॉप्स रेडी हो चुका है। इस पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया था और इस पर तो रेड कलर नहीं था, तो रेड कलर जो टेप होता है वो मैंने लगा दिया है। और इसमें जो मैंने दो कॉपर का वायर लगाया था उसे मैंने पूरा घिस दिया है। और इसका जो दो वायर है ना, ये मैंने जो डीसी जैक होता है इसके साथ लगा दिया है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, मतलब ब्लैक और रेड का जो है वो कॉम्बिनेशन मैंने ठीक रखा है। तो ये बहुत ही इजी काम था जो कि मैंने कर लिया है, आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आता है टेस्टिंग का वारी। तो ये है हमारा डिवाइस, तो इसे हम ऐसे ऑन कर सकते हैं। तो आप ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कैमरा का लिए है, फ्रेम रेट का मामला है। तो ये नॉर्मली ऐसा नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है नॉर्मली। तो चलो पहले हम चार्जिंग का टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक टाइप सी केबल जो कि एक एडाप्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा और आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पर एक होल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, उतना जगह नहीं था, तो यहाँ से दिखाई देगा आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर उठ रहा है, ये 7 हो रहा है, 3 हो रहा है, कभी कभी तो 30-40 ऐसा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा बैटरी है वो जब लो वोल्टेज में हो जाएगा तब ये ऐसा करता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कर रहा है। तो जब भी मैं इसे कनेक्ट करूंगा चार्जर को तो आप देख सकते हैं ठीक हो गया, फुल चार्ज में ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। बैटरी अभी बहुत ही डाउन है बट ये सभी जो कंपोनेंट है वो बहुत ही लो वोल्टेज में काम करता है, इसलिए सभी जो है चल रहा है, आप देख सकते हैं अब ठीक हो गया है ये। तो चलो जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारा जो ये प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स को हम लगा लेते हैं। ये प्रॉप्स लग चुका है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा बड़ा वाला स्विच है ये मोड चेंज करने के लिए है। अगर आप इसे नीचे की तरफ रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी मोड में काम करेगा, ये कॉन्टिन्यूटी मोड में है। और अब जब इसे ऊपर कर देंगे तब आप इसे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटी मोड हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। देख सकते हैं, तो चलो वोल्टेज चेक करके देखते हैं अब। तो ये कुछ बैटरी है, आप देख सकते हैं ये ड्रिल मशीन का बैटरी है और ये एक 9 वोल्ट का बैटरी है और ये 18650 बैटरी है। तो ये हमने वोल्टेज मोड पर कर लिया है और आप देख सकते हैं इस पर 8.54 ऐसा वोल्टेज है। इसका देखते हैं, देख सकते हैं इसमें 11 वोल्ट अभी है, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर मैं इस पर लगाऊंगा तो ये वोल्टेज दिखा देगा और अगर मैं इसे उल्टा लगा देता हूँ तो ये वोल्टेज शो ही नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका जो पोलैरिटी है, कोई बैटरी का अगर पोलैरिटी टेस्ट करना हो तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर इस आप उल्टा लगा देते हैं तो ये वोल्टेज नहीं शो करेगा, अगर सीधा लगाता है तो ही शो करेगा। आप कोई भी बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हैं 3.78 वोल्टेज है अब इसमें, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। और इससे आप अप टू 100 वोल्ट का जो बैटरी है उसे चेक कर सकते हैं। तो 100 वोल्ट का तो बैटरी आता नहीं है, 24 वोल्ट 48 वोल्ट जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है आप बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं इससे। और कॉन्टिन्यूटी मोड जो है वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है बट रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा इसमें, ये एक ड्रॉबैक है इसका। और इसका और एक बेहतर बेनिफिट है वो है इस पर टाइप सी चार्जिंग है, आप इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते, बैटरी चेंज करने का कोई मामला नहीं है। और दूसरा बात ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप चाहे तो इसे पॉकेट में रख कर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर ले जा सकते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं ये। मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है, ऑल कॉम्पोनेंट का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से जाकर भी बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया है इसे कैसे बनाते हैं, आई होप कि आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं और मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। आप चाहे तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कमेंट जरूर करना कि आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा और किस किस चीज आपको अच्छा नहीं लगा वो भी बताना, ताकि मैं इसे बेहतर बनाने का कोशिश कर सकूं। सब चीज का प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है, इस पर भी है। और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे देखकर भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।